डिस्क द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ यू इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब ब्रैकेट ओपन एक्स प्लस वन ओपन एक्स प्लस वन ओपन वाई ब्रैकेट क्लोज इसका हमको क्या निकालना है मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है ठीक है तो सॉल्यूशन पहले हम क्या करेंगे जब गिवन दिया हुआ गिवन दैट इज यू इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई ठीक है तो बताओ अपन क्या कहते हैं बताओ पहले इसको एक बार हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे एक बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे ओके लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स बनेगा एक बार तो दिस इक्वल्स टू देखो आपके पास फंक्शन क्या देगा एक्स इंटू वाई दिया तो दिस इज वाई प्लस ए क्यूब यहाँ पे वन अपॉन एक्स दिया हुआ है तो दिस विल बी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है ये दिस इक्वल्स टू वाई माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वैसे अपन क्या निकालेंगे डेल u अपॉन डेल y भी निकाल लें तो दिस इज देखो क्या होगा इसका यहाँ पे x आएगा प्लस ए क्यूब यहाँ बताओ क्या होगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर इसको लिख दिए नॉ दिस बिकम्स x माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर ये हो गया फिर हम क्या निकालेंगे द नेसेसरी द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, दैट इज हम क्या करेंगे इसका जो आपका इक्वेशन आया है इसको हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे वैसे इसको भी हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे फिर जो इक्वेशन आएगा उसमें आप में वैल्यू पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना मेरे को वहाँ पे तो देखो क्या होगा फिर डेल्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू जो आपकी वैल्यू यहाँ पे आई थी वाई माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ बताओ क्या निकलेगा आपका वाई इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर लेट दिस बी इक्वेशन नंबर वन आपको जो यू दिया हुआ है गेवन आपको जो दिया हुआ है और ये आपको जो वैल्यू हुआ है लेट दिस बी वाई क्वेश्चन बताओ तुम्हें क्या है यहाँ पे वाई की वैल्यू बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या है ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू ओके वैसे हम क्या निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो बताओ इतना क्या आएगा एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सीधो तो बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा एक्स इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर एक मिनट यहाँ पे आ जाओ देखो यहाँ पे बताओ आपकी वैल्यू कितनी एक य्यूबन वाई स्क्वायर लेकिन आपको ऑलरेडी दिया हुआ वाई इक्वल्स टू ए क्यूब पन ए स्क्वायर दिया हुआ है तो इस वाई की जगह अपन क्या पुट करेंगे इसको पुट करेंगे तो दिस विल बिकम ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बताओ कहाँ से तुम्हारा है फॉर्म इक्वेशन नंबर टू तो यहाँ लिखो फ्रॉम टू ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं दिस इज ए क्यूब यहाँ बताओ क्या है एक्स है यहाँ पे तो दिस ए क्यूब लिखो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा ए की पावर सिक्स और यहाँ बताओ तुम्हें नीचे में बताओ तुम्हारा क्या दिया हुआ है एक्स की पावर फोर तो इसको ऊपर ऊपर लेते हैं तो दिस इज एक्स पावर फोर दिस इज कैंसिल यहाँ तुम्हारा किया आएगा यहाँ पे तुम्हें एक एक्स कैंसिल एक होगा दिस इज थ्री इसको वहाँ भेज दें तो दिस इज एक्स की पावर थ्री इक्वल्स टू ए की पावर थ्री हुआ इसको वहाँ भेज दें तो तुम बताओ तुम्हारा क्या बचेगा एक्स ए एक की पावर थ्री बचेगा यहाँ तुम्हें बताओ क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब दिया हुआ है तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब तो एक्स इक्वल्स टू ए ठीक है तो इस एक्स इक्वल्स टू ए के पहले बताओ अपन कहाँ पुट करेंगे यहाँ पुट करेंगे तो फ्रॉम टू वाई इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर तो ए क्यूब अपॉन एक्स बताओ कितना ए है तो दिस इज ए स्क्वायर तो ये कैंसिल हुआ तो दिस इज ए तो वी कैन राइट हियर द पॉइंट इज द पॉइंट इज ए कॉमा ए क्यों क्योंकि आपकी एक्स की वैल्यू कितनी ए है और वाई की वैल्यू कितनी है ए है ठीक है ओके okay. फिर बताओ अपन क्या नहीं करेंगे अपने पास पॉइंट निकल लिया फिर देखो अपन क्या करेंगे यहाँ पे अब हम निकालेंगे आर एस और टी के वाले निकालेंगे तो आर बताओ तुम्हें क्या होगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे बताओ तुम्हारा देखो यहाँ पर देखो हम लोग ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं निकाल चुके हैं तो इसको हम लोग जब पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद विथ टू एक्स है ना तो अपने क्या मिलेगा आर मिल जाएगा तो दिसकॉस्ट टू वार्ड देखो तो डेल तो, तो, अपॉन डेल एक्स है ना इन डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा तो डिस इक्वल्स टू डेल अपन डेल एक्स यहाँ पर आपका आएगा वाई माइनस ए क्यूब अपन एक्स स्क्वायर ठीक है तो डिसक्ल्स टू यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो यहाँ बताओ तुम्हें तो क्या जाएगा माइनस ए क्यूब दिस इज टू और यहाँ बताओ तुम्हें तो क्या जाएगा एक्स क्यूब और ये माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है तो ये आपका बताओ क्या आएगा आर आ जाएगा तो वैसे अपन क्या निकालेंगे टी निकाल लेंगे ठीक है तो टी बताओ क्या होगा यहाँ पे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ठीक है वैसे अपन क्या करेंगे डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई यहाँ बताओ तुम्हारा तो वैल्यू कितनी है यहाँ पे एक्स देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका वैल्यू यहाँ पे ठीक है तो दिस इज एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर तो दिस इज यहाँ आपका जीरो जाएगा तो दिस इज माइनस ए क्यूब यहाँ पर टू दिया हुआ है तो दिस इज माइनस टू यहाँ पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा ये टू हो जाएगा अपॉन वाई क्यू हो जाएगा ये ठीक है वैसे अपन क्या निकालेंगे एस निकालेंगे तो एस बताते तो क्या होगा है डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स डेल वाई तो मान लो मैं क्या निकाल रहा हूँ डेल अपॉन डेल एक्स में निकाल रहा हूँ तो यहाँ बता तुम्हें तो क्या आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा अब देखो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई तुम्हें तो कितने दिया ये दिया हुआ है तो दिस इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स ये बताते तुम्हें कितना दिया था यहाँ पे ये है कि नहीं तो दिस इज एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर तो देखो यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स है यहाँ तो एक्स नहीं है तो दिस इज वन ठीक है तो यहाँ पे आपका आर टी और एस निकल चुका है अब मैं निकालूंगा आर एट ए कॉमा ए जो पॉइंट हम निकाले हुए थे उस पॉइंट पर निकालेंगे तो देखो तुम्हें क्या हो जाएगा आर बताओ तुम्हें तो कितने बाली दी हुई है टू ए क्यू अपन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दिया हुआ है तो दिस इज टू ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब एक्स क्यू लिता कितनी दी है एक्स की वैल्यू हा मच ए तो टू ए क्यूब अपॉन ए क्यूब कैंसल हुआ दिस इज टू ठीक है वैसे हम क्या निकालेंगे टी निकाल लेंगे एट ए कॉमा ए दिस इज हम टू ए क्यूब अपॉन वाई क्यूब वैसे ही रखेंगे अपन लोग टू ए क्यूब वाई की वैल्यू हाउ मच ए तो दिस इज ऑल्सो ए क्यूब कैंसल हुआ दिस ऑल्सो टू फिर हम क्या निकालेंगे एस निकालेंगे एट ए कॉमर ए देखो स्क्वेलिंग कितनी है वन तुमको दी हुई है तो ये तो वन ही रहेगा ठीक है अब बताओ अपन क्या निकालेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे तो दिस इज आर बोले तो टू टी बोले तो टू एस स्क्वायर बोले तो वन का स्क्वायर दिस इज फोर माइनस वन दैट इज थ्री विच इज ग्रेटर देन जीरो सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे आपका या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा अब हम देखेंगे कि आर की वैल्यू कितनी है टू है तो हियर माइनस एस ग्रेटर। यहां पर क्या है आप देख सकते हो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आपकी ग्रेटर दैन जीरो है और आर की वैल्यू मच टू ठीक है तो हियर आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर दैन जीरो एंड आर इज ग्रेटर दिन जीरो तो मतलब क्या बताओ यू ज यू मतलब बता बताओ मैं क्या होगा जो फंक्शन को दिया हुआ था दट इज यू इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन वाई ठीक है तो यहां पे क्या लिखोगे यू हैज मिनिमा एट पॉइंट ए ए कॉमा ठीक है तो फ्रॉम इक्वेशन वन रियल इक्वेशन ठीक है यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज ए और यहाँ क्या निकालेंगे अपन यू की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज यू इक्वल्स टू पहले अपन इक्वेशन लिख लेते हैं प्लस ए क्यूब वन अपॉन एक्स प्लस वन अपन वाई तो यू क्या निकलेगा आपको बताओ तो मिनिमम निकलेगा है ना मिनिमा इक्वल्स टू एक्स क्यूल्यू बताओ तुम कितने होगी ए होगी ये भी ए हो जाएगा प्लस ए क्यूब दिस इज वन अपन ए प्लस वन ए इसको सॉल्व करिए ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब ए कॉमन निकल जाएगा तो आपका क्या रहेगा फिर टू रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा दिस इज कैंसल्ड तो दिस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर तो दिस इज थ्री ए स्क्वायर इज यू मिनिमम आंसर थैंक यू